नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पत्नी शिवानी को ससुराल वालों ने घर से किया बेघर। 6 माह के बच्चे के साथ शिवानी बैठी धरने में। पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के मिनी LIG केडीए कॉलोनी का है, जहां रहने वाले अनुराग शुक्ला ने पिछले साल फरवरी माह में अपनी पत्नी को घर से निकाला था। तब पत्नी शिवानी गर्भवती थी। पति की गंदी हरकतों का विरोध करना शिवानी को भारी पड़ गया था। पत्नी 6 माह के मासूम के साथ दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है। शिवानी की शादी एयरफोर्स में तैनात अनुराग शुक्ला के साथ 2019 में फरवरी माह में हुई थी। शिवानी ने आरोप लगाया कि उसका पति अनुराग शुक्ला उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसका वो विरोध करती थी, जिसके कारण अनुराग ने उसे घर से निकाल दिया। अब शिवानी मासूम के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्या हुआ है आपका और क्या क्यों बैठी हैं आप यहाँ पर? सर मुझे यहाँ घर से बाहर निकाल दिया है इस बच्चे के साथ में, और ये लोग घर बेचना चाहते हैं। मेरा दहेज का पूरा सामान इसमें भरा है, वो सामान भर के जाना चाहते हैं। आपकी शादी कब हुई थी? 10 फरवरी 2019 को हुई थी। कब से हुई आपको? मैं तो चल रहा है सर, पहले मेरी बहन के साथ में इन्होंने बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, इसका मुकदमा पॉक्सो एक्ट का चल रहा था, 8 मार्च को हुआ था, और फिर इसके बाद में दहेज प्रथा का चला, फिर ये जेल गए, इसके बाद में ये भ्रूण हत्या का मुकदमा चला, ये बच्चा पेट में आ गया तो उसको मारने की कोशिश की इन लोगों ने। क्या करता है लड़का? एयरफोर्स में। तो अभी आप यहाँ पर बैठी हैं, आपका दहेज का पूरा सामान, अभी तो पुलिस जानकारी आपने दी है? यस सर, मैंने दी है, अभी दी है। अभी मेरे ससुर आए थे, मुझे धमकाया, 2-4 तमाचे लगाए, कहते यहाँ से निकल जाओ और मैं अपना घर बेच दिया है, सामान ले जाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आगे किस तरीके की कार्रवाई चाहती हैं और क्या मांग कर रही हैं आप? सर मुझे और मेरे बच्चे को रहने के लिए चाहिए, उन्हें वो घर बेच के चले जाएंगे, सामान ले जाएंगे, तो मैं कहाँ रहूँगी? रोड में रहूँगी। क्या क्या दिया था? दहेज में बुलेट दी थी, कार दी थी बुलेनो, और कैश दिया था। एयरफोर्स में कैश दिया था, जेवर दी थी, और सारा सामान जो मतलब सब चीज होती है, डबल बेड और ये सब। आपके ससुराल में कौन कौन लोग थे जो परेशान करते थे? सर मेरी सास ससुर और नंद नंदोई, वो आ जाते थे, उनकी शादी हो गई लेकिन वो आ जाते थे, तो सास बुला लेती थी तो वो भी मारते पीटते थे, और वो फ़ोन से बातचीत होती रहती थी उनकी, तो वो सब मिलके परेशान करते हैं और मेरे पति को भड़काते हैं, और वो पति भी उन्हीं के साथ में है, वही मारता है, ना बच्चे को ध्यान ना मेरे मुझे ध्यान है।